एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट क्रीम। मैंने लिया है ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स को कट कर लिया है 2 पीस से, और ये एक एप्पल काट लिया है, अनार ले लिया एक कटोरी, ये हंग कर्ड है, और ये फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लिया है, और वनीला ऐसे। फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा और भी कुछ अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। ये चेरी ले लिया है कटोरे, और मैं बनाना शुरू करूँगी, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ये एक कटोरी हल्का ताजी दही होनी चाहिए, इससे टेस्ट फिर दही का वो नहीं आता है, क्रीम भी सही लगता है। ये एक कटोरी फ्रेश क्रीम, शुगर में नहीं डालूंगी, इससे मीठा आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डाल दिया, थोड़ा थिक भी रहता है इससे। ये वनीला एसेंस, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे अनार एक कटोरी, ये एप्पल, और थोड़े से बिना कटे ग्रेप्स मैंने डाल दिए, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बन गया, ये रेडी हो गया, कितना थिक बना है ये फ्रूट क्रीम देखिए। इसमें क्रीम मैंने बस एक कटोरी, आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ली हूँ, और दही से बनाया है पूरा, तो आप इसको बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी डेजर्ट है। अब इसको सर्व करती हूँ मैं। बनके खाने के लिए एज अ डेजर्ट, कभी नहीं है कुछ घर में तो बना लिया, फ्रूट रहते ही है तो मैंने आज चलो यही बना लिया, बहुत ही टेस्टी लगा मुझे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।